नमस्कार। अभी हम आया है, सभी को पता है कि मैं अभी कुरुक्षेत्र में हूँ। प्राकृतिक खेती में मैं विजिट करने के लिए आया था। तो यहाँ पे आचार्य देवव्रत जी का, जो गुजरात का महामहिम राज्यपाल है, उन्हीं का ही एक दान कहा जाता है। उनका ही इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती के ऊपर दान है। उन्हीं के हिसाब से ही, उन्हीं का मोशन पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी इसको आगे ले जा रहा। और इस साल सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत पे 1,32,000 करोड़ दिया है, सबसे ज़्यादा तीन चीज़ों में फोकस करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, जिसमें से एक है कि प्राकृतिक खेती। तो आइए मैं अभी दादा से पूछूंगा कि अभी आपका ये जो अमृत वाला पेड़ है, मैं तीन चार सवाल मेरा है आपसे। एक पहला सवाल है कि ये जो लगा हुआ है, इसके डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक पेड़ से लेके एक पेड़, और दोनों को जो बेड होता है इसके डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और इस पेड़ का क्वालिटी का क्या नाम है, इसका कीमत कैसा है, कहाँ से प्राप्त हो सकता है, और लगभग लगभग एक साल के बाद जब इसमें फ्रूट्स आ जाएगा तो एक पेड़ में कितना फ्रूट दे सकता है, यही हमारा सवाल है। नमस्कार जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पीछे देख रहे हो आप, ये अमरूद का बाग लगाए हुए हैं हमने। और पहले तो इसी सर ने सवाल किया है कि इसकी दूरी कितनी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी बेड से बेड की दूरी 15 फीट की है और पेड़ से पेड़ की दूरी इसकी 10 फीट की है। और इसमें हमने 7 वराइटियाँ लगाई हुई हैं अमरूद की। अच्छा, इसमें थाई 7 है, पाइन एप्पल है, रेड डायमंड है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ताइवान वाइट है, ताइवान पिंक है और थाई 7 है। ठीक है सर। और ये हम ताइवान की ये सारी वरायटी हैं और ये आपको नर्सरी से कहीं पे भी मिल जाती हैं सर। ये मतलब कहीं पे भी हम बोलेंगे इस हाँ नाम पे नाम पे, चाहिए हाँ जी तो इस नाम के हिसाब से नाम हमको मिल मिल जाएगा। जाती है जी। और रही फ्रूट की बात, ये हमारे पीछे बाग देख रहे हैं, ये 1 साल के पेड़ हुए हैं अभी। ये हमने पिछली जुलाई को लगाया था और ये अब इसको 1 साल हुआ है पूरा। हमने इसकी कटिंग कर दी है, इसकी मई में हम कटिंग कर सकते हैं। अगर हमें सर्दी की कोई फसल लेनी है तो हम उसकी कटिंग मई में कर सकते हैं जी। हमने इस पर अभी तक फ्रूट लिया नहीं है। सर बोल रहे हैं कि इस पर कितना फ्रूट आता है, जब इस पर फ्रूट आएगा हम आगे वीडियो बनाएंगे, आगे आप लोगों को बताएंगे इसमें कितना फ्रूट आता है, वो सब हम आपको आगे बताएंगे सर। ठीक है, इनको कहना है कि अभी अभी हाल ही में इन्होंने लगाया है, अभी अभी 1 साल हुआ है, पिछले साल ने लगाया है, लेकिन ये मैंने देखा है कि कुछ कुछ पेड़ में फ्रूट्स ऑलरेडी आ चुका है, तो एक पेड़ में कितना फ्रूट्स आएगा वो बाद में उन्होंने बता पाएगा, लेकिन क्या क्या वराइटीज उन्होंने लगाया है सारी उन्होंने जानकारी दे दिया है। और ये नर्सरी अच्छा वाला नर्सरी में अगर इस वराइटीज के लिए बोलेंगे तो ये मिल जाएगा। और एक सवाल है कि ये जो आप 15 फुट दूरी क्यों रखा गया है, यहाँ मतलब एक बेड से लेके एक बेड, ये भी तो 10 फुट हो सकता था, हाँ जी, क्यों लगाया गया है? ये सर ने बहुत ही बढ़िया बात पूछी है। इसलिए हम 15 फीट की दूरी इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल भी ले सकते हैं। और हमने पिछली बारिश में जैसे पालक, धनिया और मेथी, चुकंदर, मटर हमने लगाया था इसमें लगाया था। और इसमें हम बेल वाली फसल कम से कम लें, क्योंकि जब हम बेल वाली फसल लेते हैं तो जो बेल होती है वो पेड़ पे चढ़ जाती है, तो हमारी पेड़ की ग्रोथ को रोक देती है। तो मैं आप किसान भाइयों को या साथियों को ये बताना चाहूँगा कि अब आप इसमें आप जैसे पालक, धनिया, चुकंदर, मूली, शलगम, ये वाली फसल आप इसमें आराम से ले सकते हो, इसलिए हमने इसमें ये गैप छोड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने जो प्लानिंग, इसी को कहते हैं कंपोजिट फार्मिंग या कॉम्बो पैक जिसको बोलते हैं, मतलब एक फसल का साथ सहयोगी फसल के तहत पे इन्होंने इसको किया है। नहीं तो इनको 10 फुट बाई 10 फुट भी लगा सकते थे, इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया इसीलिए कि इसके चलते हुए और एक दो फसल इधर से आराम से आ जाएगा, क्योंकि जमीन को खाली रखना ठीक नहीं है, और इसीलिए। और मैं एक बात और आप किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हमने जैसे बाग लगा दिया, बाग लगाने के बाद हमारी जमीन ऐसी खाली पड़ी रहती है। और कोई किसान होता है 1 या 2 एकड़ का, वो सोचता है मेरी जमीन खाली रहेगी, मैं खाऊंगा कहाँ से, मैं कमाई का साधन कोई नहीं है। इसलिए जो दूरी हमने रखी है इसमें हम सब्जी लगा के भी उसको पूरा, वो जो कमी होती है हम उसको पूरा कर सकते हैं। मतलब फिनेंशियली सपोर्ट के लिए भी ये बहुत काम पे आ जाएगा कि इसका अगर थोड़ा सा डिस्टेंस बना देंगे, बीच में जो गैप रहेगा वहां पे हम कोई भी सब्जी बना सकते हैं, चाहे मटर हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, चाहे चुकंदर हो, कोई भी हम यहाँ पे उपजा सकते हैं, चाहे गोभी हो उपजा सकते हैं, उसी से हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाएगा। बाकी तो 1 साल बाद जब उसे फ्रूट आ जाएगा तो कोई तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। और बाकी जो है, जो काटिंग के सिस्टम है उन्होंने बोला था, या पूनिंग के सिस्टम होती है, बहुत बढ़िया है कि हो जाने का उसको काटिंग कर देंगे तो फिर वो जमीन खाली हो जाएगा, उसमें फिर हो जाएगा। ठीक है, जय श्री शंभू, नमस्कार।